पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए हम लोग गए क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत क्राउडेड रहता है वहाँ, जैसे कि देखा भी गया है, मतलब लेबर रूम्स में या ऑपरेशन थिएटर्स में 15-15, 20-20 पेशेंट्स एक साथ होते हैं और उससे इंसान बहुत ज़्यादा डर भी जाता है, मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। और वहाँ पे साफ सफाई का कोई ये नहीं होता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मेरी एक रिलेटिव है, उनकी डिलीवरी हुई थी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जब हम उनको विजिट करने गए तो हमने वहाँ देखा कि कॉकरोच बच्चे के ऊपर से जा रहे थे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए इंसान जाता है, एक तो मैं पे कर रहा हूँ और मुझे बेटर सर्विसेज मिले। हमें नूरा हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया। मेरी प्रेगनेंसी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी रही, मतलब मुझे कभी सर दर्द भी नहीं हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब 7th मंथ तक मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं मज़े से जाती थी उनके पास दिखाने, काम भी अपना करना, बाकी चीज़ें तो। और मुझे ये भी था अपनी जगह कि हाँ शायद नॉर्मली हर चीज़ हो रही है तो आगे भी अल्लाह ताला रहम ही करेंगे। 7 अक्टूबर में इनके पास गई मैंने, इन्होंने मुझे बोला एक बारी, बोला कि आपका जो सरकमफ्रेंस है बहुत कम है, 7th मंथ में सरकमफ्रेंस होता है तो ये वैसा नहीं है, आप एक अल्ट्रासाउंड करवाओ। साथ में ये भी बोला कि आप नूरा से अल्ट्रासाउंड नहीं करवाओ, मेरी क्लिनिक है यहाँ एलडी हॉस्पिटल के बाहर, रहमत क्लिनिक है वहाँ पे, वहाँ पे आओ, वहीं पे अल्ट्रासाउंड करवाओ। खैर इनका वो जो क्या बोलते हैं मनी मिंटिंग का सिस्टम जो था वो 7th मंथ से स्टार्ट हो गया था, हमें अभी पता नहीं चल रहा था। हमने जब अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड में मेरा आया माइल्ड IUGR, वो इसलिए था कि मेरे बच्चे की ग्रोथ मतलब प्रॉपरली नहीं हो रही थी, मतलब इतना भी अक्यूट नहीं था कुछ कि मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस था, इट वॉज जस्ट माइल्ड। तो इन्होंने क्या किया, उसी दिन मैंने इनको शाम को वहीं बैठती हैं उसी क्लिनिक पे, ये बैठती भी हैं खुद, ने मुझे बोला हम 14th November आपकी डिलीवरी करवाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने इनको पूछा, मैडम अगर EDD इसकी है जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो है 29th, तो आप 14 डेज पहले क्यों करेंगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे हस्बैंड को डराया, बोला एक तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी आपकी वाइफ को अगर ये नॉर्मली डिलीवर करती हैं, और जी क्या बोलते हैं उसको, ये IUGR बेबी है, ये डिस्ट्रेस में चले जाते हैं ये बच्चे, तो वो ये पेन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। तो मेरे हस्बैंड मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह वो तो यही सोचेंगे मेरी बीवी के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और मेरा बच्चा किस तरह सेफ है, वो वही चीज़ ऑप्ट करना चाहेंगे, और वो भी जब एक डॉक्टर बोल रहा है उनको 11th November। तो वो अल्ट्रासाउंड लेकर आप मेरे पास आइए। बेबी का हार्ट बीट भी चेक किया, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। तो उस दिन जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें कहीं पे कोई भी IUGR के कोई साइंस नहीं थे, और मेरे जो बच्चे का वेट था वो था 3002 grams, 3+ और जो EDD हमारा एज पर जो लास्ट मेरी अल्ट्रासाउंड थी EDD उसमें आई मेरी 2/12/2017, यानी उसमें EDD दिखाया गया 2nd December, और मेरी जो अपनी EDD थी जो डॉक्टर ने दी थी वो 29th November थी, यानी इससे भी 3-4 दिन ज्यादा कि मैडम अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब तो हमारा बच्चा जो है वो IUGR नहीं है, अब तो माशाल्लाह ये उससे भी प्लस था। तो इन्होंने बोला कि नहीं फिर भी आपकी सर्जरी मैंने 14th को ही करनी है। 12th रात को मैं बीमार हो गई, मुझे कोल्ड हो गया, रात के 12-1 बजे मुझे कोल्ड हो गया, मेरा रनिंग नोज था। अर्ली मॉर्निंग उठी मैं नींद से और मैंने मैडम को फ़ोन किया, मैंने इनको बोला मैडम मुझे रनिंग नोज है मैं क्या करूं। इन्होंने मुझे बोला आप सिनरिस्ट लो। तो मैंने इनको बोला सिनरिस्ट मैं लूँ, वो हार्मफुल तो नहीं है मेरे बेबी के लिए। बोला नहीं आप सिनरिस्ट लो, आप सुबह एक सिनरिस्ट लो और एक शाम को सिनरिस्ट लो। उस दिन मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर आप मुझे कौन सा एनेस्थीसिया दोगे, तो इन्होंने मुझे बोला मैं आपको जनरल एनेस्थीसिया दूंगी। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, जनरल ही देना है। मैं अनकॉन्शियस थी तो मुझे बस थोड़ा सा होश था, इन्होंने मुझे बोला कि बेटा बेटा आपका बेबी बॉय हुआ है। तो जब इन्होंने ये बात बोली मुझे ये भी पता है मैं अनकॉन्शियस थी, मैंने तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बोला। और इसने डॉक्टर सलीमा अख्तर ने भी मुझे बोला मैं अपने बेबी की आवाज भी सुन सकती थी, वो रो रहा था, तो
थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर मुझे बाहर निकाला और उस टाइम भी मुझे होश था क्योंकि जब इन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर के बेड से उठाया मुझे एब्डोमेन में लगी। किसी ने मुझे नहीं बोला, नर्स थी वहाँ पे, वो मेरे बेबी को उसने फीड किया था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला कि बच्चे को फीड करना है या कुछ, इन्होंने पहले ही मेरे बच्चे को फीड कर दिया था। इन्होंने जब सर्जरी की, डॉक्टर सलीमा अख्तर ने मुझे बोला कि आपके बच्चे का IUGR है, यानी मेरा बच्चा पहले ही रिस्क पे था और डॉक्टर सलीमा अख्तर को वही सारी चीज़ें जो है वो पहले ही उसको देखनी थी। एक पीडियाट्रिशियन के बगैर वो कैसे कर सकती थी मेरी सर्जरी, और वहाँ पे जहाँ पे बच्चा IUGR 7th month में था। और उसके बाद डॉक्टर जो नूरा हॉस्पिटल में एक पीडियाट्रिशियन जो है डॉक्टर जावेद जो बैठते हैं वहाँ, इन्होंने मुझे पहले ही बोला कि डॉक्टर जावेद जो है वहाँ पे हमें बाज़ाब्ता पीडियाट्रिशियन है, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस दिन जिस दिन मेरी सर्जरी हुई डॉक्टर जावेद कहीं भी नहीं थे, और एज़ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस एक पीडियाट्रिशियन तो ज़रूरी है, और एक पीडियाट्रिशियन के बगैर आप सर्जरी करते हो तो वो नेग्लिजेंस है। मैं अपने बच्चे की तरफ देख रही थी तो मेरा बच्चा कुछ बबल्स चढ़ा रहा था, वो बबल्स बना रहा था अपने मुँह में। वहाँ नर्स आई, मैंने नर्स को बोला कि ज़रा ये देखिए ये डॉक्टर कहाँ गई, सलीम अख्तर कहाँ गई, मेरे बच्चे को देखिए, और आपका ये जो डॉक्टर जावेद है जो पीडियाट्रिशियन है वो कहाँ है। तो इन्होंने बोला डॉक्टर साहब जी इस टाइम GB Panth में है। मेरी सर्जरी सवेरे 11:30 बजे हुई थी और 11:30 बजे से लगभग 2:30 बजे 3 बजे तक हमारे पास कोई भी नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। 3 बजे डॉक्टर सलीमा मेरे पास आई तो बोलने लगी अच्छा ज़रा इधर लाओ इसको, ट्राई करती हूँ मैं, माँ का दूध देती हूँ उसको। और जब डॉक्टर ने उसको लाया, नर्स ने उठा कर लाया मेरे पास, तो बच्चे ने मेरा दूध लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, उसने नहीं लिया, फीड नहीं लिया उसने। मैं परेशान हो गई, मैं डॉक्टर से बोल रही हूँ बच्चा दूध क्यों नहीं ले रहा है। तो ये मुझे बोलने लगी नहीं नहीं बच्चा बिल्कुल ठीक था, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसको जी इसका कलर पिंक है, मतलब ऐसी बातें बोलने लगी जो कि एक डॉक्टर के मुंह से बातें निकलनी नहीं चाहिए। जब मैं नूरा हॉस्पिटल पहुंचता हूं डॉक्टर जावेद भट्ट सामने से आ रहे हैं। मैंने डॉक्टर जावेद भट्ट से पूछा, मैंने कहा कुछ सीरियस तो नहीं है हमारे बच्चे के साथ? उन्होंने कहा नहीं कुछ सीरियस नहीं है, बच्चा सिर्फ फीड नहीं ले रहा है, ठीक है, और थोड़ा लिथार्जिक है, आप इसको JVC लेके जाएं, थोड़े से टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने डॉक्टर सलीमा अख्तर से बात की 3rd day, और उसके बाद जब मैंने उनसे बोला कि मेरा बच्चा बीमार है तो वो मुझे बोल रही थी बेटा ये डेस्टिनी में था आपकी, यो लुकमत खुदायन, यानी मतलब वो अपने आप को इस तरह बाहर निकाल रही थी उस सारे से, वो अल्लाह ताला पे सब कुछ चढ़ा रही थी, अपनी नाकाबिलियत भी वो अल्लाह ताला पे चढ़ा रही थी कि अल्लाह ताला ने करना था और ये हो गया। एक्चुअली एम्बुलेंस जो थी वो ड्रॉप करने जा रही थी सलीमा अख्तर को, उसी में उसका पिकअप एंड ड्रॉप होता है। तो मैंने कहा डॉक्टर आप मुझे बताएं अगर कोई सीरियस है तो एम्बुलेंस में जाएंगे, आप बोल रहे हैं कोई सीरियस नहीं है। तो कहा आपके पास अपनी गाड़ी है? मैंने कहा मेरे पास 3-3, 4-4 गाड़ियाँ, मेरी पूरी फैमिली है यहाँ पे। नहीं नहीं फिर आप अपनी गाड़ी में जाएं। जब हम JVC पहुँचते हैं डॉक्टर उसको बोलते हैं, बच्चे को दिखाते हैं ऊपर ICU वार्ड में, तो डॉक्टर रिफ्यूज़ करते हैं, हम इसको एडमिट नहीं कर सकते। तो मैंने डॉक्टर से पूछा आप क्यों नहीं इसको एडमिट कर सकते? कहा क्योंकि ये दूसरे हॉस्पिटल से आया है बच्चा, और जहाँ तक हमें लग रहा आप ऐसी कंडीशन में बच्चे को लाए हैं। और जैसे ही मुझे JVC का डॉक्टर बोलता बच्चों को ऐसी कंडीशन में लाए, मैंने कहा डॉक्टर आप बोल कह रहे हो कैसी कंडीशन में, क्योंकि हमें तो डॉक्टर ने बोला बच्चा नॉर्मल है, फीड नहीं ले रहा है, तो आप बोल रहे हो इस कंडीशन में, क्या कंडीशन है मेरे बच्चे की? नहीं 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 हम इसको ऐसे एडमिट नहीं कर सकते, हमें हमारे CMO को बात करनी पड़ेगी नूरा हॉस्पिटल के CMO से। कैसे वैसे चीज़ें मैनेज हुई और मेरे बच्चे को एडमिट किया गया। इस दौरान मुझे CMO बोलते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर जावेद भट्ट जो हैं, जो बच्चों का डॉक्टर है, जो जिसने नूरा में आपके बच्चे को देखा, वो भी इन टच है मेरे साथ, वो भी आपके बच्चे की कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने कहा वो क्यों आपको फ़ोन कर रहा है? कहा कि मुझे लग रहा है कि जो बच्चे की कंडीशन है उसको शायद पता था कि बच्चे की कंडीशन जो है ख़राब है, तो इस वजह से वो अपडेट ले रहा है। हमारा बच्चा एक दिन वहाँ रहता है, 1st day ICU में रहता है, उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे ले जाते हैं हॉस्पिटल में, और 1 हफ्ते के बाद उसकी डेथ हो जाती है। रेफरल नोट में लिखा जाता है, ये रेफरल नोट है नूरा का, जिस टाइम हमारे बच्चे को शिफ्ट किया गया, इन व्यू ऑफ रिफ्यूजल ऑफ फीड
बेबी शिफ्टेड टू हायर सेंटर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ये नूरा का है, यानी कुछ भी सीरियस नहीं था। उनका कहना है कि हमने इनको एम्बुलेंस ऑफर की, इन्होंने डिनाई किया एम्बुलेंस लेना। जब कुछ सीरियस ही नहीं था, हम कैसे डिनाई कर सकते थे? अगर हम डिनाई भी करते, हॉस्पिटल का एक प्रोसीजर होता है, जब किसी की सर्जरी भी होती है उसमें उसके रिलेटिव की कंसेंट ली जाती है कि हम ये सर्जरी कर रहे हैं, इसमें ये रिस्क हैं, ठीक है ना, आप इस पर साइन कर दो। वैसे ही जहाँ तक मुझे लगता है बाहर की कंट्रीज़ में ये है, जहाँ आप डिनाई करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, वहाँ वो आपसे रिटर्न में लेते हैं कि आप ये डिनाई कर रहे हो। और हमारे केस में तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बच्चा हेल्दी बेबी था। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि फीड नहीं ले रहा, इसलिए कुछ सीरियस नहीं था। अगर सीरियस होता तो हम एम्बुलेंस क्यों नहीं लेते? जब हम हॉस्पिटल को इतना पैसे दे रहे थे तो एम्बुलेंस का कितना चार्जेस लगता? मेरा बहुत बहुत बिटर एक्सपीरियंस रहा, बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नूरा हॉस्पिटल की वजह से अपना बच्चा खोया है, अपना पहला बेबी खोया है।